वेलकम गाइस, आज हम बना रहे हैं इमली वाला राइस। इसके लिए हमने हाफ प्याज लिया है, दो हरी मिर्च, करी पत्ता, इमली को हमने भिगो लिया है और रात के बचे हुए चावल ये देखिए, और हमने थोड़ी से मूंगफली और हींग, हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और हमने तेल डालकर, तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल रहे हैं राई। राई हमारी चटपट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हींग, थोड़ी सी हींग। जिस तरह से लेमन राइस बनाते हैं ना, उसी तरह से ये इमली वाले राइस भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार रहते हैं नाश्ते के लिए। हमने इसमें प्याज को डाल लिया है, प्याज हमारी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च, करी पत्ता और मूंगफली। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी को भी हम अच्छे से पका लेंगे, ये देखिए। फिर हम इसमें डालेंगे इमली का रस निचोड़ कर, इस तरह से हमने रख लिया था इमली का रस, तो हम इसमें इमली का रस डाल दिया है और 1 स्पून नमक डाला है, ये देखिए। इस तरह से अच्छे से सारे मसाले को हमने पका लिया है, सारा पानी इमली का रस सारा जिर चुका है, ये देखिए। इसमें हमने चावल डाल दिया है, चावल को अच्छे से हम मिला लेंगे इस तरह से। जिसको नींबू सेट नहीं होता ठंडी के दिनों में, तो वो इमली का इस तरह से राइस बना सकते हैं। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।